हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम बात करेंगे आपसे अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो जैसा कि आपको पता है, अप्लाइड मैकेनिक्स में आपके लिए आज हम बात करेंगे मोमेंट अर्थात घूर्ण चैप्टर्स की। तो इससे पहले मैंने आपको बल विश्लेषण फोर्स एनालिसिस चैप्टर के 10+ वीडियो आपको हमने प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाइए, बल विश्लेषण के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट को समझिए और अपना बल विश्लेषण से रिलेटेड टॉपिक्स को कंप्लीट समझिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बस जो आपका फोर्स एनालिसिस चैप्टर था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से बेसिक्स आपके क्वेश्चन उसी से बनने वाले हैं। उसमें आपका जो साइन का रूल है, ये सभी जो रूल हैं वो आपको जरूर वहां पर समझना होगा, क्या कैसे होता है, इस चीज को समझिए। आज हम आपसे जो मोमेंट चैप्टर्स की बात करेंगे, इसमें ये जितने भी टॉपिक्स आपके लिए कंप्लीट कराए जाएंगे, आगे आपके जितने भी टॉपिक्स बताएंगे उससे ही सभी रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और खासतौर दोस्त, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो रेड बटन दिख रहा है और खासतौर बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलना आपको बेहद जरूरी है। देखिए दोस्त, आज हम बात करेंगे मोमेंट में। पहले आप मोमेंट समझ लीजिए होता क्या है। तो कहता है दोस्त, मोमेंट की किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। अर्थात दोस्त, जो आपका मोमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा बल आघूर्ण, जिसे फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, उस चीज को हम आगे बताने वाले हैं। पहले आप मोमेंट समझ लीजिए, मोमेंट क्या होता है। जैसे आप भी सोच सकते हैं, कहते हैं एक दोस्त कि उस बॉडी में थोड़ा मोमेंट है, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये एक ओ पॉइंट है और यहाँ पर एक एन पॉइंट है और इसके 90 डिग्री, एन से 90 डिग्री पर एक फोर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, पी फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एक फोर्स पी कार्य कर रहा है और ये आपका क्या होगा, ये बॉडी आप क्या करेगी, जब फोर्स लगाएगा तो मूव करेगी, घूमेगी। तो मूव करने का मतलब इसमें क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। तो वही चीज यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको समझना यह है कि किसी बिंदु पर, मतलब जो आपकी बिंदु होगा वो फिक्स्ड होगा, अर्थात निश्चित बिंदु की बात करेंगे तो किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। देखिए, आपको ये जो टॉपिक्स है, ये मोमेंट, ये कितने टाइप्स के हैं और क्या कैसे, मतलब अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो ये प्लस, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, ये सब क्लियर हम कवर करेंगे। इसको एक एक टॉपिक समझते रहिए। देखिए दोस्त, अब आप समझ लेते हैं पहले फोर्स ऑफ मोमेंट, तो और भी आपको मोमेंट क्लियर होगा। फोर्स ऑफ मोमेंट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, आपको पता होगा भी दोस्त, उसको टाउ से हमने डिनोट कर देते, वो आप फिजिक्स में पढ़ते थे, लेकिन यहां पर आप इसको डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल एम से। यहां मोमेंट की बात हो रही, यहां पर इसलिए इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो यहां पर जब इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फार्मूला, या इसको कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स, उसे कहते हैं कि बल के घुमाने के प्रभाव को एक पद द्वारा मापा जाता है, जिसे बल का आघूर्ण या बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है दोस्त, बल इनटू निश्चित बिंदु से बल की लंब दूरी, अर्थात ये कहते हैं बल इनटू उस निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी। जैसा आप यहां देख सकते हैं, ये आपका ओ पॉइंट है और एक एन पॉइंट है, एक फोर्स यहां पर पी कार्य कर रहा है। ओके, तो आप देख रहे हैं इसके बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री, अर्थात ये समकोण लंब पर कार्य करता है। तो सिंपली आप यहां पर समझ सकते हैं इस बात को कि जो बल आघूर्ण होता है दोस्त, वो आपका फोर्स तो वहां पर पी लग ही रहा है, साथ में ये आपका 90 डिग्री, उस फिक्स्ड पॉइंट के 90 डिग्री पर कार्य करना चाहिए, तभी वो माना जाएगा आपका टार्क। ओके, अगर आपका ऐसा नहीं तो बल आघूर्ण टार्क नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, टार्क हुआ है कि बल इनटू निश्चित बिंदु से लंब दूरी। ओके, बल की लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अब देखिए फार्मूला क्रिएट होता है, बल इनटू बल आघूर्ण, जिसे आप कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, टार्क जो आपका होगा वो कैपिटल एम, वहां पर टार्क आपका वो था, यहां पर आप इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो मोमेंट होता है उसे कि आप बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण जो होता है कैपिटल एम जो है ये, ठीक है, बल घूर्ण जो आपका है कैपिटल एम, ये पी इंटू ओ एन। अब पी आप देख सकते हैं, पी आपका फोर्स हुआ। ओके, पी इधर से फोर्स लग रहा है और ओ एन क्या है, ये ओ है और एन है, ओ और एन, अर्थात जो भी ये डिस्टेंस होगी, मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल डी है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी यही आपका मल्टीप्लाई होगा, अर्थात फोर्स मान लीजिए कैपिटल एफ है और डिस्टेंस आपका क्या हो गया, डी, अर्थात जो आपका कैपिटल एम इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा दोस्त,
पी इंटू ओ एन, अर्थात आपका यहाँ पर हम जैसा कि हमने आपको बताया पी इंटू ओ एन का मतलब ये फोर्स है आपका और ओ एन आपकी डिस्टेंस है, इसको हमने स्मॉल डी माना। ओके, ये चीज़ करने के बाद आगे चलते हैं, हम आपको इस चीज़ को समझाते हैं। यहाँ पर इस समझिए कि हम आपको बताते हैं कि आपका जो टार्क होता है बल के घूर्ण, अर्थात उसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये आपकी सदिश राशि है या अदिश राशि है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, जो आपका बल का घूर्ण अर्थात जो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं वो आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि? अर्थात इसमें आपकी सदिश राशि का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, और यहां पर समझ लीजिए, इस चीज़ को समझिए, अभी हम आपको ये भी बताते हैं इसमें दो डायरेक्शन होती है, एक क्लॉकवाइज होती है एक एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात इसमें ऐसी डायरेक्शन नहीं होती है कि पूरब पश्चिम उत्तर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसी डायरेक्शन नहीं इसमें देखना, इसमें आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है। कौन सा क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, ये चीज़ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार के किसी बिंदु के परितः बल का घूर्ण बल के और उस बिंदु से बल की लंबवत दूरी या लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात जो आपका कैपिटल एम का मान होगा, हमने बताया जो फोर्स कार्य करेगा, उस पॉइंट के लंबवत दूरी अर्थात जो आपका डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री पर कार्य करेगा, तो वो डिस्टेंस जो होगी, अर्थात समझ लीजिए जैसा कि यहाँ पर आपको हमने बताया कि ये जो आपके इस पॉइंट पर कार्य कर रहा है, लेकिन इससे जो दूरी है ये दूरी आपको लेना है, ये दूरी आपको नहीं लेना है, आपको दूरी जो होगी वो जिस पॉइंट्स पर आप लगा रहे हैं और उसका जो केंद्र है उस पॉइंट्स की, उसका जो पॉइंट्स का केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है, उससे डिस्टेंस जो दूरी होगी वो दूरी आपको लेना है। जैसे यहां पर अभी हम आपको क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो वो चीज समझ में आएगा। देखिए, तो आपका दोस्त यहां पर हुआ कि उसके परिता अगर घूर्ण है, आपका मोमेंट है, तो बल और उस बिंदु से बल की लंबवत दूरी ही आपका क्या होगा, उसका गुणनफल ही आपका टार्क मोमेंट होगा, अर्थात मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। अब देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है और कहाँ आपका वन होता है, इस चीज़ को समझिए। तो अगर हम बात करें टार्क, मतलब आपका बल अघूर्ण जो है, बल का घूर्ण जो है शून्य मान कब होगा, तो सिंपली समझ लीजिए शून्य ताप, सोच लीजिए सिंपल से कंडीशन, आप सोचिए अगर आपका कैपिटल एफ कैपिटल एम इजकल टू एफ इंटू डी है। ओके, ये फार्मूला है, आप सोचिए ये किस कंडीशन में कैपिटल एफ एम का मान शून्य होगा, अर्थात जीरो होगा। तो दोस्त, या फिर आपका एफ का मान शून्य हो जाता है या फिर आपके मान डी का मान शून्य हो जाता है, अगर किसी भी एक का मान जीरो होगा तो आपका कैपिटल एम का मान क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सी बात, वही चीज आपसे कहा गया कि ओ पर घूर्ण का मान शून्य तभी हो सकता है जब या तो पी का मान जीरो है, अर्थात फोर्स या फिर जीरो हो जाए, या फिर ओ एन का मान, अर्थात ओ एन का मतलब वहां पर आपके बीच के डिस्टेंस की दूरी आपकी शून्य हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं ये ओ एन है, या फिर पी के मान को आप जीरो कर दीजिए या फिर ओ के मान को आप जीरो कर दीजिए, कोई भी एक जीरो होगा तो आपका क्या होगा, वो आपका टार्क जो आपका वहां पर मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर यह कहने का मतलब इसके बीच ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं इसको जीरो कर दीजिए या इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसको जीरो कर दीजिए, तो आपका जो है बल घूर्ण जो है कैपिटल एम, वो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिया में आप कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि बल के अधिकतम, अर्थात जो बल आघूर्ण है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो किस कंडीशन में मैक्सिमम उसका मान होगा। तो दोस्त, सिंपल सी बात है कि जो आपका अधिकतम मान टू टाइप्स का हो सकता है, इसका जो मान है अधिकतम दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो बल का मान अधिक होगा या तो आपकी लंबवत दूरी अधिक होगी। अर्थात दोस्त, आपका फार्मूला आपको हमने बता दिया, ये फार्मूला आपका होता है। ओके, ये फार्मूले में आप ध्यान से समझिए, अगर आपको कैपिटल एफ एम का मान क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ओके, अगर ये किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, ये उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा जिस एक कंडीशन ये बनेगी कि आपके पी का मान आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, या तो आपके पी का मान मैक्सिमम होना चाहिए, दूसरे कंडीशन में आपके या फिर ओ एन के मान को आपको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर कोई भी एक मान आपका मैक्सिमम होगा तो जो आपका यहां पर बल आघूर्ण होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, एम होगा, कैपिटल एम, ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, इस चीज को समझ लीजिए। यहां पर देखिए, ये चीज आपसे सिंपली यहां पर कह दिया गया है, या तो आपका बल का मान अधिक हो या फिर आपके बिंदु के बल से लंब दूरी अधिक हो। यही कारण है कि किसी वस्तु पर यदि घुमाए जाने वाले बिंदु से लंबिक दूरी अधिक, मतलब दूरी पर बल लगाया जाए तो सरलता से घूमती है। अर्थात सिंपल सी बात है दोस्त, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सोचिए कि आप किसी कोई
रस्सी लीजिए या कोई धागा या कोई डोरी लीजिए और उसके साइड में एक छोटे से ईंट को वहां पर बांध दीजिए, ओके, और अपने हाथ से उसको घुमाइए। अगर आप चारों तरफ उसको घुमाते हैं, ठीक है, कोई अगर आपकी रस्सी है, ठीक है, उसके साइड में आपने एक ईंटे को यहां पर बांध दिया और उसको चारों तरफ यहां घुमाते हैं, ओके, जब आप घुमाएंगे तो क्या होगा कि आप उसकी डिस्टेंस, ये जो आपकी डिस्टेंस है रस्सी की, अर्थात उसकी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसका क्या होगा, मोमेंट जो होगा वो आपका बढ़ता जाएगा, अर्थात डिस्टेंस बढ़ाने से कैपिटल एम का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। वही चीज कहा गया दोस्त, या फिर आप लंब दूरी बढ़ा दीजिए या फिर आपको क्या करना है, फोर्स, अर्थात जिस स्पीड से आप घुमा रहे हैं उसमें जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसका मान और बढ़ा दीजिए तो ऑटोमेटिक आपके कैपिटल एम का मान बढ़ जाएगा। तो यही होता है दोस्त कि यदि वस्तु की घुमाए जाने वाले बिंदु से अधिक लंबी दूरी पर बल लगाया जाए तो सरलता से घूमती है, ठीक है, तो मतलब आपको अगर सरलता से घुमाना है तो उसको डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए, आसानी से घूमेगी। लास्ट आपका आता है तो बल आघूर्ण की इकाई, तो बल आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसको किस कंडीशन में आपकी इकाई यूनिट होगी, तो दोस्त एक कंडीशन में ही यूनिट होती है, वो होता है कि बल घूर्ण की इकाई बल और दूरी के इकाइयों के गुणनफल के बराबर होगी। सिंपल सी बात है दोस्त, कैपिटल एम का मान कब वन होगा, इसी कंडीशन में हो सकता है जब एफ और डी का मान क्या होगा, एफ का मान भी वन हो और डी का मान भी क्या होगा, वन होगा, दोनों का मान वन होगा तो वन इंटू वन क्या होगा, वन होगा, तो तब क्या होगा आपके कैपिटल एम अर्थात मोमेंट ऑफ फोर्स क्या मान कितना आएगा, वन आएगा। तो आपका वही कंडीशन में हो सकता है जब आपका बल और बीच की दूरी एक मीटर हो, ओके, एक मीटर होगी तभी आपका होगा। तो इस प्रकार यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में मापा जाए तो आपका जो आपका बल घूर्ण होगा अर्थात मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसका जो इकाई होगा, यूनिट होगा, वो न्यूटन इंटू मीटर होगा, क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। और इसी आधार पर एमकेएस प्रणाली में आप कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसकी इकाई किलोग्राम मीटर होती है, क्या होती है, किलोग्राम मीटर। तो आपने यहाँ पर समझा कि आपका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो शून्य किस कंडीशन में होगा, मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, और इकाई अर्थात यूनिट किस कंडीशन में होगा, मैक्सिम शून्य के लिए दोनों या शून्य हो सकते हैं, ठीक है, उसी कंडीशन में शून्य हो सकता है, या तो आपका पी का मान जीरो हो जाए या फिर आपके जो फोर्स लगा रहे उसका मान जीरो हो या फिर लंबवत दूरी जीरो हो, तभी आपका कैपिटल एम का मान जीरो होगा। और मैक्सिमम दो कंडीशन में हो सकता है, या फिर आपका एफ का मान ज्यादा होगा फोर्स का मान, या फिर बीच की लंबी दूरी ज्यादा होगी, ठीक है, इसके दो कंडीशन है। और आपका लास्ट है कि आपका जो इकाई है वो दो कंडीशन में, एक कंडीशन में दो सिंपल होता है कि आपका क्या होना चाहिए, जो आपका एफ इंटू डी है अर्थात एफ का मान भी क्या होना चाहिए, वन, और डी का मान भी क्या होना चाहिए, वन। तो इस प्रकार आपको कैपिटल एम जो मिलेगा वो आपका इकाई मिलेगा। तो टार की आपके तीन कंडीशन बनते हैं, शून्य, अधिकतम, इकाई। अभी बहुत ही आपको अच्छे से मैं इस चीज को समझाने वाला हूं कि आपका साइन कंजर्वेशन क्या होता है, अर्थात जो आपका बल घूर्ण होता है अर्थात मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसका ऋण चिन्ह अर्थात साइन कंजर्वेशन क्या होता है, समझिए। देखिए दोस्त, अब साइन कंजर्वेशन का रिलेशन यहां से है कि आपका कोई पिंड है अगर घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको पता चल गया हाँ भाई ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स कि निगेटिव लेंगे, ये बहुत बड़ा यहां पर कंफ्यूजन होता है, तो इसको मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए क्या होता है कि आपको अगर कोई यहां पर जैसा कि घूमने के लिए बात की जाए तो यहां पर कहा गया कि यदि कोई पिंड पी पिंड को ओ के परिता घुमाने का प्रयास करता है, कोई बल पी पिंड को ओ के परिता घुमाने का प्रयास करता है तो पिंड के घूमने की प्रवृत्ति घड़ी के सुई की दिशा में होगी, अर्थात अगर उसको घुमाने का प्रयास करता है तो पिंड के घूमने की प्रवृत्ति घड़ी के घूमने की दिशा में होगी, तो इस बल को क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अर्थात दोस्त क्लॉक का मतलब है कि आपको घड़ी के डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ओके, और उसके विपरीत डायरेक्शन तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब ये पॉजिटिव होगा निगेटिव, इस चीज़ को समझिए कि अगर आपका उस डायरेक्शन में घूमेगा तो आपका अगर आपका क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमेगा तो वो मूवमेंट क्या होगा, वो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और इसके विपरीत घूमेगा तो उसे क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहां पर हम आपको समझाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसे लेंगे। तो सिंपली आप समझ लीजिए दोस्त कि वे घूर्ण जो वस्तु के प्रशिक्षण घुमाने का प्रयास करते हैं, प्रशिक्षण या वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं वो आपके प्रवेश, मतलब यहाँ पर इतनी बात आपको कहना हम बताना चाह रहे हैं कि एक होता है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट, एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके। तो अगर आपका क्लॉकवाइज मोमेंट घूमता है, अगर आपका क्लॉकवाइज मोमेंट घूमता है तो आप मोमेंट को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ध्यान रखिए अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आप उसको मोमेंट को निगेटिव लेंगे, और इसी का एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो
उसे को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसा कि आपको यहां पर क्लियर दिख रहा है, सामान्यता प्रवाम वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज जो आपका होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज क्या होगा, टार्क आपका मोमेंट क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ओके, तो यहां चीज आप समझ लीजिए, आपका पॉजिटिव कौन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अर्थात जिसकी डायरेक्शन में आप घूमेंगे घड़ी की दिशा में, तो आपका निगेटिव होगा मोमेंट। ओके, इस चीज को समझ लीजिए। आगे चलते हैं दोस्त, अब आपका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट, अर्थात घूर्णों का जो वर्गीकरण है ये क्या होता है, इसको आप समझिए, आगे आपके बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट की अगर हम बात करें तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात घुमाव बिंदु के परिता प्रभाव के आधार पर इसको तीन भागों में डिवाइड किया। पहला है आपका क्या, यहां है घुमाऊ घूर्ण, दूसरा है नमन घूर्ण, और तीसरा है ऐंठन या मरोड़ घूर्ण। इसे इंग्लिश में पहले वाले को बोलते हैं टर्निंग मोमेंट, घुमाऊ घूर्ण, दूसरे को बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट अर्थात नमन घूर्ण, और तीसरे को कहते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट अर्थात ऐंठन या मरोड़ घूर्ण। मैं एक एक को लेकर चलता हूं और आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, हमने आपके लिए एक फिगर लिया, ये चीज को आप समझिए। देखिए, ये आपका फिगर है, यहां पर क्या रखा गया, इस चीज को समझिए। यह जो घूर्ण होता है या मोमेंट होता है, वह किसी वस्तु को या किसी वस्तु को उसकी आलंब के परिता घुमाता है। इस स्थिति में वस्तु अपनी आलंब या टेक पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अब देखिए, मैं इस फिगर को समझाने चाहता हूं, जो यहां पर लिखा है उस चीज को मैं आपको आसानी से बता देता हूं। देखिए, अगर हम बात करें घुमाऊ घूर्ण अर्थात आपका क्या है, टर्निंग मोमेंट, क्या है दोस्तों, टर्निंग मोमेंट, तो इसमें होता क्या है, जैसा आप ये स्केल देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, स्केल है मान लीजिए, तो यहां पर क्या किया गया, इस स्केल को एक पॉइंट पर यहां पर क्या किया गया, इसको नट या बोल्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया, स्थिर कर दिया गया। अर्थात जो आपका मूव करेगा, ये नीचे वाला भाग इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, ये आपका पॉइंट फिक्स है, ठीक है। यहां किया क्या गया है, आप देख सकते हैं, यहां पर बताया गया कि एक पैमाने में छेद करके उसे दीवार में कील लगाकर लटका देते हैं, ठीक है। तो इस क्षैतिज बल पी कील से दू आपकी जो डिस्टेंस रखी गई है, तो यहां पर आपका सिंपली क्या होगा दोस्तों, टर्निंग मोमेंट का मतलब टर्निंग फोर्स कैसे कार्य करेगा, यहां पर क्या है कि एक स्केल है, इसको हमने क्या किया, स्थिर कर दिया। इस पॉइंट पर क्या किया, बोल्ट के द्वारा स्थिर कर दिया। जब स्थिर कर दिया तो इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। ओके, तो यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर नीचे के पॉइंट से एक पी फोर्स लगाते हैं, ओके, और इसके यहां से जहां पर इसको यहां पर कसा गया है या इस छेद को बनाकर रखा गया है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जहां से फोर्स लगा रहे, इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, ओके, जो डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो इसको आगे जब फोर्स लगाएंगे तो ये आगे की ओर क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ओके, जब आगे की ओर मूव करेगा तो यहां पर क्या होगा, यही पर आपका आ जाता है मोमेंट। अब समझ लीजिएगा, ये क्या हुआ, इस यहां से आपका यहां पर मान लीजिए आ गया, तो ये क्या हुआ, ये मूव कर गया, तो इसमें क्या आ गया, एक मोमेंट आ गया। लेकिन समझिएगा दोस्त, ये है आपका क्या, टर्निंग मोमेंट, अर्थात ये जो फोर्स होगा, इस प्रकार के जो फोर्स होते हैं अगर उसको घुमाती है, तो इस प्रकार के फोर्स को टर्निंग फोर्स कहते हैं। अर्थात एक भाग इसमें क्या है, एक भाग आपका स्थिर रहेगा, लेकिन ये एकदम फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, यहां पर समझ लीजिए, ये आपका फिक्स्ड नहीं, अर्थात जैसे आप सिंपली इसको जो आपका सिंपली इसको क्या किया गया है, आपको एक छिद्र करके कील के माध्यम से उसको लटका दिया गया है। ओके, तो यहां पर ये होता है कि आलंब जो घुमाव घूर्ण है वो नगण्य प्रतिरोध करता है। इसका रीजन है कि अगर आप इसको घुमाते हैं तो आसानी से घूम जाएगा, ऐसा नहीं यहां स्थिर इसको आप फोर्स लगाएं तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका एक कील के माध्यम से बस इसको रोक दिया गया है, ये आगे पीछे हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार का अगर फोर्स वहां पर कार्य करता है, मतलब यहां पर क्या होगा, अगर फोर्स जो आप लगा रहे हैं उसका कोई भी किसी प्रकार का घुमाव प्रभाव का विरोध नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के फोर्स को टर्निंग फोर्स कहते हैं। तो क्या किया, एक तरफ टर्न कर दिया, ठीक है। अब आपका दूसरा आता है दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट में आपका आएगा क्या, बेंडिंग मोमेंट समझिए, बेंडिंग मोमेंट ये होता है कि यह पूर्ण वस्तु को झुकाने का प्रयास करता है। अर्थात बेंडिंग मोमेंट ये आप समझ लीजिए, ये आपको फिगर यहां पर दर्शाया गया है। ओके, हम इस चीज को समझा देते हैं कि यदि पैमाने को भूमि में ऊर्ध्वाधर गाड़कर क्षैतिज बल पी उसके तल पर डी दूरी पर लगाया जाए, तो ए पर भूमि में गड़ा होने के कारण पैमाना घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अतः यहां पर क्या होगा, टेक ए फिक्स्ड कहलाती है, अर्थात एक ए पॉइंट फिक्स्ड है और घुमाऊ प्रभाव को इसका क्या करती है, जो आप घुमा रहे हैं उसके लिए उसका विरोध भी करती है। तो इस दशा में पैमाने घूमेगा नहीं, वरन आपका क्या होगा, वहां पर टार्क जो आपका है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, पी इंटू डी के प्रभाव से झुकेगा, और ये जब झुकेगा तो उसी को कहते हैं नमन अर्थात बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। और इस प्रकार जिस बल के प्रभाव में वस्तु घूमने के बजाय झुके या नमन हो तो उसे क्या कहेंगे,
उसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, जैसा यहाँ पर आपको बताया गया। अब देखिए हम आपको ये चीज़ समझाते हैं। फिगर देखिए, दोनों में कन्फ्यूजन को आप दूर करिए, दोनों में अंतर क्या है। ये है आपका टर्निंग फोर्स और यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, ये बेंडिंग फोर्स या बेंडिंग मोमेंट है। तो अगर यहाँ पर आपका क्या किया गया, यहां पर दोस्त क्या किया गया, एक भाग को इसको जमीन के अंदर क्या किया गया, इसको गाड़ दिया गया। ओके, ए पॉइंट को गाड़ दिया गया, आपका ये आपका क्या है, फ्री है ऊपर। तो यहां पर जब आप इसको गाड़ दिया गया, अर्थात ये क्या हो गया, ये आपका फिक्स्ड हो गया। क्या हो गया दोस्त, फिक्स्ड, अर्थात ये आगे पीछे नहीं जाएगा, ये भूमि है, ये फिक्स्ड हो गया। तो दोस्त आप क्या करते हैं, वही जैसे यहां पर डिस्टेंस डी पर यहां पर पी फोर्स लगाया जाता था, ठीक उसी प्रकार यहां पर डिस्टेंस डी पर यहां पर पी फोर्स ऊपर से लगाया गया। अब जब आप लगाते हैं तो जब ये मूव नहीं करेगा, तो सिंपली आप सोचिए, जब इधर से आप फोर्स लगाएंगे तो आगे की ओर क्या करेगा, ये झुक जाएगा, आगे की ओर क्या करेगा, झुक जाएगा। वही चीज आपका ये जो आप दिख रहा है, ये आपका इस जो आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों झुकेगा दोस्त, चूंकि ये फिक्स्ड है, आगे की ओर आप फोर्स लगाएंगे तो ये झुकेगा। तो इस प्रकार का जो आपका होता है, इस प्रकार के झुकाव को, इस प्रकार का जो आपका होता है, इसी को कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। क्या हो रहा है यहां पर, बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, आप देख सकते हैं बेंड हो रहा था, मुड़ रहा है, देख सकते हैं ये बेंड हो रहा है। अर्थात आपको समझना है कि इसमें एक में भी एक पॉइंट फिक्स्ड है, लेकिन क्या है, इसका ही क्या करता है, अपने मूव होने का विरोध नहीं करता, लेकिन ये मूव होने का, अर्थात ये फिक्स्ड होता है, उसका विरोध करता है। ओके, तो आशा करते हैं ये दोनों आप चीज समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम यार दोस्त यहां पर अगले पॉइंट की ओर, कि आपको ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, ऐठन या मरोड़ घूर्ण क्या होता है, इस चीज को समझिए। ट्विस्टिंग मोमेंट, देखिए ट्विस्टिंग मोमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, या घूर्ण वस्तु को ऐठने का प्रयास करता है। आपका क्या हुआ कि आपने पहला जो देखा उसमें क्या किया कि एक वहां पर कील से इसको क्या किया, लटका दिया, और इसको एक तरफ से फोर्स लगाया तो एक डायरेक्शन में क्या हुआ, मूव कर गया। तो वहां पर आपका क्या आ गया, वहां पर आपका टर्निंग मोमेंट आया। और आपको आपने अगला स्टेप यह किया कि आपने क्या किया, एक स्केल लिया या एक प्लेट को लिया, इसको क्या किया, यहां पर जमीन के अंदर इसको गाड़ दिया और एक तरफ से फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ, ये मुड़ गया। जब आगे की ओर मुड़ गया, ये आगे की ओर क्या किया, झुक गया, तो इसे बेंडिंग मोमेंट कह दिया। अब आता है ट्विस्टिंग मोमेंट, ये होता है कि आप कोई रॉड लीजिए या कोई सॉफ्ट लीजिए और इसको एक साइड को उसके फिक्स कर दीजिए और दूसरे साइड को क्या करिए, मरोड़िए। अर्थात आपको क्या करना है, मरोड़ना है, एक साइड, किसी एक साइड आप करिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में इसको क्या करिए, मूव कराइए। तो कहते हैं दोस्त, सॉफ्ट ए के सिरे को फिक्स्ड कर दिया गया, ये पॉइंट को फिक्स्ड कर दिया गया, और स्वतंत्र सिरे बी पर एक बल पी इस प्रकार लगाया जाता है, या पी यहां पर क्या, एक फोर्स कार्य कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि पी आपका जब यहां पर लगाया जाता है तो पी सॉफ्ट ना तो घूमेगी इस दशा में, बल के प्रभाव में सॉफ्ट ना तो घूमेगी और ना झुकेगी, परंतु ऐंठ जाएगी, अर्थात मरोड़ आ जाएगा। अर्थात जैसे आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर आप दोस्तों जैसे कपड़ा है, धुलकर कपड़े को अगर दोनों साइड से आप उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो, अर्थात एक आप क्लॉकवाइज घुमाइए, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन दोनों हाथों घुमाइए, तो क्या होगा, उसमें मरोड़ आता है, ठीक है। या कोई प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, आप उसके एक पॉइंट को फिक्स्ड कर दीजिए, दूसरे पॉइंट को आप घुमाएंगे, तो उसमें एक मरोड़ आता है। जो आपका मरोड़ आता है, अर्थात जो ट्विस्ट आता है, उसी को ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं। तो यहां पर वही किया गया है कि ए पॉइंट को फिक्स्ड कर दिया गया और एक तरफ से इसको घुमाया जा रहा है। ओके, तो यहां पर आपको जो फार्मूला क्रिएट होगा वो ये होगा कि पी इंटू आर, जिसे आप कहेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट, और यही जो फोर्स कार्य करता है उसे कहते हैं ट्विस्टिंग फोर्स, जो आपका होता है पी, ये आपका क्या है, ये ट्विस्टिंग फोर्स है। तो आपका क्या होना चाहिए, जो आपकी अच है, जो शाफ्ट के अंदर से जाने वाली अच है, और उसके वहां पर जहां से देख सकते हैं, यहां से आपका एक फोर्स लग रहा है, ये आपका डायरेक्शन, तो इसके बीच की जो दूरी होगी, अच्छे से आपकी जो लंब दूरी होगी, अच्छे से जो लंब दूरी होगी फोर्स के लगने की, वो दूरी ही आपकी क्या होगी, आपके उसमें पी में मल्टीप्लाई होगी और आपका मोमेंट ऑफ फोर्स आपको प्राप्त होगा, जो कि ट्विस्टिंग फोर्स या ट्विस्टिंग मोमेंट आता है। तो इस प्रकार के जिस बल के प्रभाव में वस्तु ऐठन पैदा होती है, उसमें ट्विस्ट होता है, तो उसे ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं। तो यहां पर आपने समझा कि ये तीनों फोर्स क्या डिफरेंट है दोस्त, एक आपका होता है टर्निंग मोमेंट, एक होता है बेंडिंग मोमेंट, एक होता है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट। टर्निंग में आपको सिंपली से लैंग्वेज से पता लग रहा है कि एक तरफ से फोर्स लगाएंगे वो टर्न कर जाएगा, और आपका बेंडिंग मोमेंट में क्या है दोस्त, कि बेंडिंग मोमेंट में सिंपली यहां पर आप क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट में आपको यहां पर ये करना है कि एक पॉइंट को फिक्स्ड कर देते हैं और इधर से आपका एक फोर्स लगता है, तो एक तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ये आपका बेंडिंग। और आपको हमने बताया कि आपका टर्निंग में ये हुआ कि आप टर्निंग में क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट को फिक्स किए, लेकिन ये विरोध नहीं करता, दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो इस प्रकार को आप क्या कहते हैं, ये आप क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं टर्निंग। और ये हुआ आपका क्या, ये आपका हुआ दोस्त बेंडिंग। और लास्ट आपका
आता है ट्विस्टिंग, क्या आता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मरोड़ जो करेंगे वो मोमेंट आएगा, घुमाव आएगा, वही आपका ट्विस्टिंग मोमेंट कहलाता है। तो आशा करते हैं ये सभी आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो आपने अभी तक देखा तो कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो देखो देखा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही, रेड बटन को खासतौर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन मिलना आपको बेहद जरूरी है। धन्यवाद।